नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, गर्म दूध और गुड़ है एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। इन समस्याओं में यह बहुत गुणकारी होता है। भारत देश ने दुनिया को बहुत सी अच्छी चीजें दी हैं और गुड़ उनमें से एक है। इसके अलावा दूध तो साक्षात अमृत का काम करता है। आइए आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह गर्म दूध और गुड़ को साथ में सेवन करने से क्या क्या लाभ होता है। इस हमारे वीडियो में पहले एक बात जरूर साफ करना चाहूँगा मैं कि यदि गुड़ के साथ दूध का सेवन कर रहे हैं आप, तो दूध गर्म ही होना चाहिए, ठंडा दूध नहीं इस्तेमाल करना है आपको। गुड़ के साथ ठंडा दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा यदि गाय के दूध के साथ गुड़ का सेवन किया जाए तो यह और भी गुणकारी हो जाता है। गुड़ एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत सारी बीमारियों में लाभ करता है। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पर आज हम आप सभी से। गर्म दूध और गुड़ के सेवन करने के नियम क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। सबसे पहले यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि गर्म दूध के साथ गुड़ को सेवन करने का सही तरीका क्या है। गाय का दूध एक गिलास लेकर उसको पीने लायक गर्म कर लीजिए और इसमें चीनी नहीं मिलाना चाहिए आपको, अर्थात फीका ही सेवन करना है। एक गिलास में लगभग 300 मिलीलीटर दूध आता है। इसके साथ 30 से 50 ग्राम तक गुड़ का सेवन किया जा सकता है। यदि गुड़ बिना मसाले वाला हो तो सबसे बेहतर होता है। गर्म दूध और गुड़ को एक साथ सेवन करने के लिए रात का समय, जब आप सोने जा रहे हैं तब का समय सबसे अच्छा रहता है। एक घूंट दूध पीकर एक बाइट गुड़ को खूब चबा चबा करके खाइए, फिर एक घूंट दूध और एक बाइट गुड़ का सेवन। इस तरह से पूरे ग्लास को खत्म कर लीजिए और गुड़ को भी समाप्त कर लीजिए। यह खुराक 12 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए होती है। यदि 12 साल से छोटा बच्चा है तो उसी अनुपात में दूध और गुड़ की मात्रा आप घटा दें। इसके बाद गर्म दूध और गुड़ लाभकारी है वजन कम करने में। जी हाँ, गाय के दूध में फैट बहुत कम होता है और यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करने में मददगार होता है। गुड़ आंतों की सफाई का काम करता है, जिससे रात को गुड़ का सेवन करने से अगले दिन सुबह को पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है। इसका लाभ यह होता है कि पाचन नलिका पूर्ण रूप से साफ हो जाती है और इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिस कारण शरीर में चर्बी का जमाव नहीं हो पाता है और शरीर का वजन कम करने में लाभ मिलता है। गर्म दूध और गुड़ खून को साफ करता है। जी हाँ, दूध में पित्त शामक गुण पाए जाते हैं, जिस कारण से दूध का सेवन करने से खून की गर्मी शांत होती है और रक्त के विकार नहीं होते हैं। गुड़ में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण खून में परजीवियों को खत्म करने में उपयोगी होते हैं। यदि गर्म दूध और गुड़ का नियमित सेवन किया जाए तो यह रक्त की खराबी से उत्पन्न होने वाले विकारों में बहुत ही ज़्यादा गुणकारी सिद्ध होता है। गर्म दूध और गुड़ से सुधरती है पाचन शक्ति। जी हाँ, गुड़ का विपाक मधुर होता है, जो कि प्राकृतिक रूप से और बिना केमिकल के ही उत्पन्न होता है। मधुर विपाक की चीज़ें पाचक अग्नि को प्रदीप्त करती हैं, जिस कारण से पाचन शक्ति बढ़ती है। यदि गुड़ के साथ गर्म दूध का सेवन किया जाए तो गुड़ पाचक अग्नि को सुधारता है और दूध पित्त का शमन करता है, जिससे बहुत ही संतुलित रूप पाचन क्रिया सुचारू रहती है और पाचक विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। गर्म दूध और गुड़ से मिलती है खूबसूरत त्वचा और बाल। जी हाँ, दूध में उपलब्ध होता है कैल्शियम और नमी त्वचा की सेहत को सुधारने का काम करते हैं और गुड़ की परजीवी रोधी प्रकृति त्वचा पर इन्फेक्शन के प्रभाव को खत्म करता है, जिस कारण से त्वचा की कोशिकाएं मजबूत बनती हैं और फोड़े फुंसी और कील मुहासों के दाग खत्म होकर बेदाग और निखरी त्वचा की प्राप्ति होती है। इसके ये लाभकारी प्रभाव बालों पर भी दिखाई देते हैं और गुड़ के साथ गर्म दूध का सेवन करने से बाल भी मजबूत और चमकदार बनते हैं। यह भी एक सर्वविदित सत्य है कि मजबूत बाल ही लंबे और लहरदार बनते हैं। बाल ही लंबे हर दे।
Thank you.